असलकम प्यारे बबस आज हम आपको छत पर डबल टाइल लगाने का तरीका दिखाएंगे और समझाने की कोशिश भी करेंगे कि छत पर डबल टाइल कैसे लगती है भाई पहले तो इसका तरीका ये है कि ये जो मिट्टी पड़ी है इस पर पानी लगा लें और पानी लगा कर इसको थोड़ा थोड़ा किसी पट्टी की मदद से दबा लें उसके बाद भाई इसका लेबल कर लें लेबल वाटर पैप से किया जाता है वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे कि वाटर पम्प से लेबल कैसे किया जाता है ये भाई वाटर पम्प पैप है इसकी मदद से हम ये लेबल कर रहे हैं लेबल करने के बाद हम आपको लहर या सोलंग लगाने का तरीका भी बताएंगे ये देखें भाई अब हम लहरिया सोलंग की जो ये चाल है ये बना रहे हैं ये लहरिया सोलंग की चाल बनाने का बेस्ट तरीका है लहरिया सोलंग इसी चाल से बनता है और ये नुक्कर पर ने आप किसी भी नुक्कर से या कोने से देखेंगे तो इसकी लाइन आपको सीधी नजर आएगी बस इसका यही तरीक़ा है भाई आगे हम चलकर आपको पूरा मुकम्मल प्रोसीजर दिखाते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को पूरा देखा करें भाई लाइक भी किया करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें भाई ये देखें आपको बहुत वजात से नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरह टायर लगती है और लहरिया सोलंग किस तरह लगाया जाता है भाई हमने ये मिट्टी से टाइल है जिसको गारा बोलते हैं उस गारे में टूड़ी रलाने के बाद ये मिट्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है इस मिट्टी पर लगाने से बहुत ही ज़्यादा मजबूत टाइल होती है सीमेंट से भी टाइल लगती है लेकिन सीमेंट से भी ये ज़्यादा मज़बूत है और पायदार है इस पर हम दो एक का सीमेंट खबरा देंगे यानी कि दो ताबिये रेत के होंगे और एक ताबिया सीमेंट का उसी तरीके से हम इस छत को मुकम्मल ग्राउंड कर देंगे भाई अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर लाइक किया करें लाइक करने से आप भाइयों के पैसे नहीं लगेंगे और भाई हम हर रोज़ इसी तरह की फार्मेटक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं इसलिए हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें